अरे तानिया, गर्मी में खड़ा हुआ कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, इतनी देर लगा दी। तुम्हें तो पता है कि कितना देख कर आना पड़ता है, और फिर मेरी सहेलियां वो ऐसी नजर रखती है मुझ पे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अब जल्दी चलो इस रेड जोन एरिया से। एक मिनट रुकना। हाँ अभी एक मिनट, अभी नहीं। रेडी? नहीं, हाँ चलो। जी जी, हमारी तरफ से बिल्कुल हाँ समझिए। आपको भी बहुत मुबारक हो। अरे आपका अपना घर है, जब जी चाहे आ जाइए। जी जी, खुदा हाफिज। ये किससे गप्पे लगा रही थी तुम? पता भी है फोन कितना महंगा कर दिया है फोन कंपनियों ने, लेकिन तुम्हें क्या पता दो जवान बेटियों का बाप होना कितना बड़ा अजाब है। अरे मैं तो वो तानिया के होने वाली सास से बात कर रही थी, और उन्हें बता रही थी कि हमें ये रिश्ता कबूल है। अरे वो तो इतना खुश हुई सुन के, जैसे इसी इंतजार में बैठी थी वो। चलो, बड़े भाई के घर दावत का एक फायदा तो हुआ, एक लड़की तो ठिकाने लगी। अब तुम उसके जेवर और कपड़े की फिक्र करो, मेरा नहीं ख्याल कि लड़के वाले ज्यादा देर इंतजार करेंगे। माँ हूँ, मुझसे बेहतर कौन जानता है कि जहेज में क्या क्या चाहिए। और फिर माशाल्लाह से हमारी तानिया पढ़ाई मुकम्मल करके अब स्कूल में जॉब कर रही है। लोग तो अब बातें भी बनाना शुरू हो गए कि हम लोग इसलिए उसकी शादी नहीं कर रहे क्योंकि वो कमा रही है। अरे लानत भेजता हूँ मैं इन बातें करने वालों पर, तुम भी ज्यादा तवज्जो मत दिया करो। ये बताओ तानिया अभी तक क्यों नहीं आई? उसकी छुट्टी तो 12 बजे हो जाती है ना? हाँ वो बता रही थी कि बड़ी क्लासेस के प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, तो इसलिए छोटी क्लासेस के टीचर्स को रोक लेते हैं। अच्छा खैर छोड़े ना, आप दुकान से कुछ चीजें तो भिजवा दीजिए, वो लोग शाम को आ रहे हैं, कुछ तैयारी कर लूं खाने के लिए। लो एक और खर्चा शुरू हो गया। खैर बताओ क्या लाना है, बल्कि रहने दो, लिस्ट बनाकर दे दो, वरना तुम्हें बाद में याद आएगा कि ये रह गया और वो रह गया, और तुम करोगी फोन और होगा खर्चा। मैं आ रहा हूँ, हाथ धोकर। खुशी के मौके पे भी ना नाराज ही रहते हैं। अस्फी, तुम यहाँ? चले अब हाथ छोड़ो मेरा, सब लोग देख रहे हैं। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा। मिस्टर, ये डायलॉग अब पुराना हो चुका। मेरी मोहब्बत तो पुरानी नहीं हुई ना, वो तो हमेशा की तरह नहीं है। तुम्हारी यही बातें तो मुझे तुम्हारा दीवाना बनाए रखती। अबे तो कुछ भी नहीं है, हमारी शादी हो लेने दो, उसके बाद देखना मैं तुम्हारे इश्क में शायर नाना बन जाऊँ। हाँ शादी होना ही तो मुश्किल नजर आ रहा है, मैं तुम्हें कब से बता रही हूँ। क्यों? देखो नासिर, अम्मी अबू मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, और अभी जो रिश्ता आया है मुझे तो डर है कि अम्मी अबू कहीं से को हाँ ना करते। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? बस फिर एक ही हल है, फिर कोर्ट मैरिज कर लेते। तुम पागल तो नहीं हो गए? हाँ ना, तुम्हारे इश्क में पागल ही हो। वादा करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। बस करो, बस वादे करते रहते हो तुम, और करना कराना कुछ भी नहीं। मैं तुमसे कब से कह रही हूँ अपनी माँ को मेरे यहाँ भेजो, लेकिन तुम होके टाले जा रहे हो। ठीक है, मैं अपनी अम्मा को भेज देता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो कुछ भी होगा ना सब सामना तुम करोगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे तो वो मार ही देंगे। तो फिर एक काम तो होगा ना, या तो तुम्हें मार देंगे या फिर चुपचाप वो जहाँ तुम्हारी शादी कहते हैं वहाँ शादी कर लो। नहीं नासिर, मैं तुम्हारे अलावा किसी और का तस्वीर भी नहीं कर सकती। तो बस फिर ठीक है, फिर घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी कर। लिस्ट ले आ भाई, दुकान पर लड़के को बिठा कर आया हूँ। यहाँ अपनी औलाद का भरोसा नहीं है, गैर का क्या भरोसा करें? कहीं इधर उधर ना कर दे कुछ, कहाँ रह गई भाई? अरे आ रही हूँ आ रही हूँ। एक तो आप ना शोर मचाना शुरू कर देते हैं, ये लीजिए, अब लिस्ट भी तो बनानी थी ना, ये ले पकड़े, और शाम को जल्दी आ जाइएगा, कहीं किसी दोस्त की तरफ ना निकल जाइएगा। यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? क्या मतलब यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? तुम खुद ही कह रही थी आज इतनी गर्मी है, तो मैंने कहा चलो कुछ ठंडा ही पी लेते। अच्छा देर हो गई तो अम्मी का दिमाग कौन ठंडा करेगा,
उन्हें कौन हैंडल करेगा? उन्हें तुम हैंडल करोगी। अब हमारी मोहब्बत में इतनी कुर्बानी तो तुम दे सकते हो ना। क्या करूं मैं तुम्हारा असफी? कुछ नहीं करो, सिर्फ मोहब्बत करो, बहुत सारी। बाकी सब मुझको छोड़ो, तो मैं संभाल लूं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मजनू। अब जल्दी से जाओ, मुझे जल्दी घर पहुंचाना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं बस 2 मिनट जूस लूंगा। मतलब गलत भी करो, हमारे खानदान की इज्जत खराब करो, और उसके बाद मुझे आंखें भी दिखाओगे। अपनी बकवास बंद कर लो, वरना ऐसा मुक्का झाड़ूंगा ना तुम्हारे मुंह पे, सारे दांत टूट के जमीन पर आ जाएंगे। असफी, असफर का रिश्ता किस खुशी में ढूंढा जा रहा है? तुम्हें पता नहीं अपने बेटे की पसंद का? ऐसी बेतुकी पसंद का क्या करना है? मैंने चाटना है क्या? मैंने खानदान में शादी नहीं करनी, बस मैंने कह दिया है। माय गॉड, नासिर 5 बजने वाले। देखो तुमसे बातों में वक्त पता नहीं चला, अब चलते हैं, बहुत देर हो रही है। रहने दो ना, अभी बैठो ना यार, अभी तो तुम्हें देखकर तुमसे बातें करके मेरा दिल ही नहीं बैठ। थोड़ी देर और रुक जाओ ना। नासिर तुम यकीन करो मैं जरूर बैठू। देखो 12 बजे से स्कूल की छुट्टी हुई हुई है, और जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ घर जाते जाते मुझे 6 बज जाएंगे। देखो बहुत देर हो रही है, अब चलो। अब तुम अगर इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन एक मिनट मुझे बिल दे ले। क्या हुआ नासिर? तानिया, वो मैं अपना वॉलेट रखता है, स्कूल भी छोड़ा हूँ। कोई बात नहीं नासिर, बिल मैं दे देती हूँ। अरे ऐसे कैसे तुम बिल दे दोगी? तुम बैठो एक मिनट, मैं इनसे बात करता हूँ, मैं लेके आता हूँ, बिल देता हूँ। नासिर नासिर, तुम्हें क्या हो गया? तुम पैसे लेने के लिए जाओगे, इसी में 2 घंटे निकल जाएंगे, मुझे बहुत देर हो चुकी है। मैं इस दफा बिल दे देती हूँ ना, परेशान क्यों हो रहे हो? बाद में मुझे लुटा देना। तुम तो जैसे वापस ले लोगी बाद में। पहले भी कितनी दफा हुआ ना, कभी मैं वॉलेट घर छोड़ाता था, कभी पैसे कम पड़ जाते थे। तुमने कभी मुझसे वापस लिए पैसे? नहीं लिए ना। तुम इस तरह मेरी मर्दाना आना को जो हर्ट करती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक दफा शादी हो जाए फिर सो समय सारे पैसे वसूल कर लूंगी। फिलहाल तुम ये पैसे पकड़ो और बिल देकर आओ। तानिया, वो बाइक में पेट्रोल भी नहीं है, मुझे तुम्हें कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें पता वॉलेट नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं नासिर, मैं तुम्हें पेट्रोल के पैसे भी दे दूंगी। शेर, अब तुम बिल दे के आओ, बल्कि पहले शेक खत्म करो उसके बाद बिल दे आओ, बहुत देर हो गई है। अयाशिया कर रहे हो तुम दोनों? चाचू को इस बात का पता है कि तुम यहाँ यूनिवर्सिटी बंक करके इसके साथ डेट्स मारती फिर रही हो? नहीं काशी, ऐसी बात नहीं। सुनो, फौरन रास्ता ना अपना समझे, और आइंदा मेरी जाती जिंदगी में दाखलत की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। कजन है मेरी, ख्याल है मुझे उसका, इज्जत है हमारी, जिसे तुम यूं लेकर सड़कों पर घूम रहे हो। क्या बकवास की तुमने? बताऊं तो मैं क्या कर रहा हूं मैं? हाँ अच्छा, मतलब गलत भी करो, हमारे खानदान की इज्जत खराब करो, और उसके बाद मुझे आंखें भी दिखाओगे। अपनी बकवास बंद कर लो, वरना ऐसा मुक्का झाड़ूंगा ना तुम्हारे मुंह पे, सारे दांत टूट के जमीन पे आ जाएंगे। असवी, चलो आज ये भी देख लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कितना मारता है। मारो मुझे। काशिफ मत। मारो। देखेगा मर्दांगी, दिखाऊं तुझे। हाथ पीछे। क्या करेगा? हाथ पीछे ना। असवी, असवी छोड़ो, काशिफ, काशिफ। ऑटो। We'll be right back.
असफर को मना भी किया था कि काशिफ से मत लड़ना, लेकिन मेरी कोई बात ही नहीं मानता। भाषा बना के रखती है मेरा, अब मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। हानिया, ए देख तो सही तानिया को, ए ना तो फोन उठा रही है ना अभी तक स्कूल से आई है। तेरे अब्बू आने वाले हैं, मुझ पर ही गुस्सा होंगे वो। अमीन, मैं आपको बताना भूल गई, आप ही की कॉल आई थी, कह रही थी स्कूल में कोई फंक्शन है, लेट हो जाएंगी। आप फिक्र मत करें, वो आ जाएंगी। भाई कैसे फिक्र ना करूं, उसका तो रोज के काम है, स्कूल में रोज ही फंक्शन होते हैं, मेले लगे रहते हैं, और ये तुम्हारे अब्बू जो है ना, मुझ पर ही गुस्सा होते हैं। ये कौन है बावलों की तरह तुझे फोन किए जा रहा है? वो अम्मी मेरी यूनि फेलो है, मुझसे नोट्स मांग रही है। खुद तो मेहनत करती नहीं है, दूसरों की मेहनत पर ऐश करती है। या तो इसे नोटिस देने से ना मना कर दे, या इसका फोन बंद कर, सर में दर्द शुरू हो गई मेरी तो। अम्मी आप किचन में क्या कुछ रख रही है? जलने की बू आ रही है। हाँ, वो तो मैं जरदा रख के आई थी दम पर, वो तानिया के ससुराल वाले आ रहे हैं ना रात को खाने पर, तू चलना मेरे साथ किचन में चल के काम कर। आजा, हाथ बटा दे मेरा। देख लूंगा सानिया की बच्ची को भी, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही मेरा। जी 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 जी, अरे हमारे फार्म हाउस की फिश तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। जी हाँ, एक्सपोर्ट भी करते हैं हम। बिल्कुल ठीक है, मैं जरूर भेजूंगी आपको। ठीक है ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओ गॉड मामा, कितना झूठ बोलती हैं आप। पापा का छोटा सा फिश फार्म है और आपने अपनी फ्रेंड को पूरी फिशरीज की चेन बता दी। अरे बेटा, करना पड़ता है करना पड़ता है, आखिर को मैंने अपनी बेटी भी तो ब्यानी है ना, इन्हीं में से किसी का बेटा सिलेक्ट कर लूंगी। नो वे मामा, मैं ये मम्मी डैडी लड़कों से हरगिज शादी नहीं करूंगी, और आप जानती हैं मुझे कौन पसंद है। सिली गर्ल, अरे तुम्हारी एज ही क्या है अभी, तो कहां समझती हो इन सब बातों। काशी, कहां गायब रहते हो तुम आजकल, किधर से आ रहे हो आवारा गर्दी करके, और ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पे? कुछ नहीं, वो लड़ाई हो गई थी छोटी सी। एक तो तुम हर रोज किसी ना किसी से झगड़ा करके आ जाते हो, पता भी है तुम्हारे पापा कितने तंग हैं तुम्हारी इन हरकतों से। और मैं तंग आ चुका हूं आप लोगों से, मुझ पर ऐसे नजर रखते हैं जैसे कोई FBI के एजेंट हो। इसको देखें, इससे भी पूछें हर वक्त फोन पे किससे लगी रहती है। ओ हेलो, बात तुम्हारी हो रही है, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? क्योंकि तुम्हें बिला वजह इन्होंने सर पर चढ़ाया हुआ है, और मुझ पर हर वक्त नजर रखते हैं जैसे मैं कोई लड़की हूँ और घर से भागने का प्लान बना रही हूँ। और अपनी हरकतें भी तो देखो, कोई एजुकेशन नहीं है तुम्हारी, 3 साल से BA में फेल हो रहे हो। ज्यादा बकवास की ना एक दूंगा, तुम खुद कौन सा MBA कर रही हो, मुश्किल से मर मर के BA किए तुमने, वो भी पता नहीं 3rd division में। अब मामा इसे समझा ले, वरना मैं इसकी शिकायत पापा से लगा दूंगी। हाँ, लगा दो शिकायत, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है, और इसके अलावा तुम्हें आते ही क्या। बस बस बहुत हो गई, दोनों बकवास बंद करो और चलो जाओ यहाँ से। जब देखो हर वक्त झगड़ा करते रहते, 1 मिनट सुख का सांस नहीं लेने देते। थैंक यू। मुझे क्यों डांट रही है, मैंने क्या किया है? मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। चैन ही नहीं है इन लोगों को। ये लो भाई चाय। आपने अपनी भाभी साहिबा के करतूत देखे, एक बेटी का रिश्ता तय कर दिया और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। ये तुम्हारे कान में किसने सूर फूंका है? अरे कौन सूर फूकेगा, वो रिश्ते कराने वाली का फोन आया था जिससे मैंने असफर के लिए लड़की देखने को कहा, बातों बातों में उसी ने बता दिया। आज तो रिफत भाभी अपने ससुरालियों की दावत भी करने जा रहे हैं। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि असफर का रिश्ता किस खुशी में ढूंढा जा रहा है, तुम्हें पता नहीं अपने बेटे की पसंद का? ऐसी बेतुकी पसंद का क्या करना है, मैंने चाटना है क्या? मैंने खानदान में शादी नहीं करनी, बस मैंने कह दिया है। अरे नेकबख्त, क्या बुराई है हानिया में, अच्छी भली पढ़ी लिखी हंसमुख लड़की है। तो क्या करूं, अच्छी होंगी तो अपने घर की होंगी,
कम से कम मैं अपने लायक और फायक बेटे के लिए उस कमतर लड़की का रिश्ता तो कभी भी नहीं लूंगी। इतनी अच्छी जॉब मिली है मेरे बेटे को, अभी गाड़ी मिली है, कल को बंगला भी मिलेगा। अब बहू तो ऐसी होनी चाहिए ना जो घर के शायन है शायन। बहुत माजर के साथ मैं हानिया के अलावा किसी और लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। तमीज से बात करो असफर, माँ हूं मैं तुम्हारी। मैं आपसे बदतमीजी के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये भी सच है कि मैं हानिया के अलावा किसी और लड़की के साथ जिंदगी गुजारूं ये भी नहीं सोच सकता। इसलिए ये बात आप अपने दिमाग में बिठा के रखें। असफर तौबा तौबा, किस कदर चालाक लड़कियां हैं रमजान की, कैसे मेरे भोले भाले बच्चे को फंसा लिया। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कम से कम हानिया इस घर की बहू बनकर कभी भी नहीं आएगी, ये मेरी जिद है। या अल्लाह, हानिया हानिया हानिया, मेरे मोबाइल में तो कैद हो गई हो, अब किसी तरह से मेरी जिंदगी में भी आ जाओ प्लीज। कबाब में हड्डी, समझता है मेरा मुकाबला कर ले। बेवकूफ को जब से ये 50,000 रुपए की नौकरी मिल गई है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। हानिया मेरी है, सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। काशिफ का फोन, उठाऊं या नहीं उठाऊं, मुझे लगता है मुझे से बात कर लेनी चाहिए। ऐसा ना हो आज का वाकया घर में किसी को बता दे। बड़ी मौजें हो रही हैं आजकल, खैर तो है? क्या क्या मतलब तुम्हारा? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या और किस बारे में बात कर रहा हूं। बहुत घूम फिर रही हो आजकल असफर के साथ, वैसे तुम्हारे घर वालों को मालूम है इस बारे में? देखो काशिफ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो वहां से गुजर रहा था तो उसने मुझे रोड पे खड़ा देखकर गाड़ी रोक ली। तुम्हें क्या लगता है हानिया, मैं घास चरता हूं? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारा कॉलेज और असफर का ऑफिस शहर के दूसरे किनारे पर है। वैसे क्या बात है, तुम्हारा और उसका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। होनी भी नहीं चाहिए, एक्चुअली शरीफ लड़की है ना, इस तरह अपने माँ बाप की इज्जत के साथ खेलती नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। गुड, मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। अच्छा काशिफ, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। प्लीज तुम इस वाकये के बारे में घर में किसी को मत बताना, वरना मेरी पोजीशन ऑकवर्ड हो जाएगी, प्लीज। ओके डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आइंदा के लिए प्लीज मोहतात रहना। थैंक यू सो मच काशिफ। अच्छा मुझे लगता है मुझे अम्मी आवाज दे रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़। अब खुदा हाफिज़। थैंक गॉड मैंने इससे बात कर ली, वरना इस धूप छांव जैसे लड़के का क्या पता चलता, कब इसका दिमाग और मूड खराब हो जाए। लगता वाकई मुझसे सचमुच नाराज हो गई है। क्या जरूरत थी मुझे काशिफ से लजने की यार। हेलो हानिया। हानिया नहीं, मैं नौशाबा बात कर रही हूँ, पता नहीं कब पहचानोगे तुम मुझे। हाँ अच्छा नौशाबा, सॉरी, कैसी हो तुम? ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ, तबीयत वगैरह खराब है क्या तुम्हारी?
हालत तो दिल की खराब है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। हैं? क्या कहा तुमने? यही कि दिल बहुत उदास है, कहीं आउटिंग पे चले? नहीं यार, आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गया हूँ मैं, थोड़ा आराम करूंगा, सॉरी, फिर किसी दिन। अच्छा, अगर यही बात तुमसे हानिया कहती तो फौरन तैयार हो जाते। देखो हानिया की बात कुछ और है, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। और मैं कौन हूँ तुम्हारी? वो तो तुम्हारे मामू की बेटी है और मैं तुम्हारी फर्स्ट कजन हूँ, ज्यादा नजदीकी रिलेशन तो हमारा बनता है ना। सुनो, वो हमारे मामू की बेटी है और तुम कब से कॉम्पिटिशन लगाने लगी वहाँ? मेरा उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता, वो बहुत मुख्तलिफ है मुझसे। हाँ तुमने सही कहा, वो वाकई बहुत मुख्तलिफ है सबसे। अच्छा चलो खैर, देखो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, आराम करूंगा, मैं फिर बाद में बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? चलो गुड बाय। मैं और वो शादी करना चाहते हैं। अरे क्या कर रहे हैं? जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हैं, कुछ तो ख्याल करें, मेहमान घर में आने वाले हैं। जान से मार दूंगा इसे मैं। बेटी की शादी करनी है, आज करें या कल मुझे मंजूर है। चलो भाई मुबारक हो। बस करो ना, कितना तैयार करोगे मुझे? कार्टून ही बनाती है। एक तो मैंने इतना अच्छा मेकअप किया और आप कह रही हैं कि मैंने आपको कार्टून बना दिया? तुम्हें मेकअप की पड़ी है क्या? मेरी पूरी जिंदगी खराब हो रही है। आप क्यों इतनी बेजार हो रही हैं? चेहरे पर हल्की से स्माइल रखें, आपके ससुराली आने वाले। अल्लाह करे रास्ते में मर जाए वो लोग, एक्सीडेंट हो जाए उन लोगों का। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुश्किल से तो इतना अच्छा रिश्ता मिला है। नहीं करनी मुझे किसी से भी शादी। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ अम्मी को कि मेरी बात का किसी को कोई असर ही नहीं होता। तो फिर आपने किससे शादी करनी है? उस नासिर से? एक नंबर का फ्रॉड इंसान है, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती? हानिया बस करो, अब अगर तुमने एक लफ्ज भी उसके बारे में बोला ना तो मैं तुमसे भी नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, आपका जो दिल चाहता है आप करें। हाँ मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। तानिया, अरे खैरियत तो है ना, इतना गुस्से में क्यों है? तुम्हारी बड़ी बेटी कहाँ है, बुलाओ उसे। वो तो तैयार हो रही है, क्या काम पड़ गया उसे? वो हमारी आंखों में धूल झोंक रही है, बुलाओ उसे। अरे मगर बताए तो सही, इतना गुस्से में क्यों है आप? मैं कहता हूँ बुलाओ उसे। ठहरो, मैं खुद जाकर देखता हूँ। अरे मेरी बात तो सुने। अरे रुके तो सही, अरे क्या हो गया, कुछ बताए तो सही। या अल्लाह रुक जाइए, मैं कह रही हूँ रुक जाइए, खुदा के वास्ते कुछ तो बताए क्या हो गया। अरे रुके तो सही। कौन था वो लड़का जिसके साथ तुम बेहयाई से चिपक कर बैठी हुई थी? घर में मेहमान आने वाले और आपने हंगामा खड़ा कर दिया। ये बेहया लड़की मेरी इज्जत को चौराहे पे नीलाम करके आ रही है और तुम कह रही हो मैं हंगामा कर रहा हूँ? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अभी इस वक्त खामोश हो जाएं, अगर इसके ससुराल वालों के कानों में भिनक पड़गी ना इस बात की तो ये रिश्ता टूट जाएगा। रिश्ता टूटे या जुड़े मैं इसकी टांगे जरूर तोड़ दूंगा। पता कौन था वो लड़का? कब से जानती हो तुम इसे? अब वो मेरा कॉलीग था। कॉलीग के साथ तो कोई इतना चिपक कर नहीं बैठता, सच सच बताओ। मैं और वो शादी करना चाहते हैं। अरे क्या कर रहे हैं?
जवान बेटे पर हाथ उठा रहे, कुछ तो ख्याल करे, मेहमान घर में आने वाले हैं। जान से मार दूंगा इसे मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। खुदा के वास्ते चुप कर जाए, अगर किसी ने सुन लिया ना तो बदनामी हमारी घर की दलीज नहीं छोड़ेगी। दूर हटा तुम इससे, कोई जरूरत नहीं है इससे हमदर्दी जताने की, इस काबिल नहीं है कि इससे हमदर्दी की जाए, इस पर एतमाद किया जाए। अब्बू आप सिर्फ एक बार नाजर से बंद करो, आप नहीं ना यही के यही टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। प्लीज चुप कर जाए। अच्छा अब आप अपना मूड तो ठीक करें ना, मेहमान आने वाले। बापों की बेटियां इस तरह आवारा घूमती है ना, उनके मूड कभी ठीक नहीं होते। अच्छा आप जाइए जाइए, मैं इसे समझाती हूँ, आप जाइए ना। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपना दुपट्टा तेरे पैरों में रखती हूँ, खुदा के वास्ते हमारी इज्जत का ख्याल रख, कुछ ऐसा मत करना जिससे हमारी बदनामी हो जाए। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? देख मेरी बेटी, मत चल उन राहों पर जिनकी मंजिल बदनामी होती है, और ये तो ऐसी खाई है जिसमें सिर्फ लड़की नहीं उसका पूरा खानदान जिंदा दरगोर हो जाता है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ मत कहना उन लोगों के सामने, खामोश रहना, बस खामोश रहना, हमारी इज्जत रख लेना। मैं झूठे कर दूं? बैठो, बस करो तुम, और बंद करो अपनी ये हमदर्दी की पिटोरी। नहीं चाहिए मुझे किसी की भी हमदर्दी। आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? एक तो आपकी वजह से मैंने अम्मी से झूठ कहा कि आपके स्कूल में फंक्शन है इसलिए आप लेट हो जाएंगी। अब अगर अब्बू ने उस लफंगे के साथ आपको देख लिया तो तुमने अगर उसके बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ जीरो को, लेकिन आप बैठे तो सही, मैं आपका ये जख्म कवर अप कर दूं वरना मेहमानों के सामने अच्छा असर नहीं पड़ेगा। प्लीज बैठे, बैठ जाएं। अब हाँ ना, समझ गया भाई, मैं समझ गया यार, बस अब कल बात होगी हमारी तुम्हारी। अल्लाह हाफिज। देखे कैसी लग रही हो? ये क्या ज्वेलरी की शॉप बनी फिर रही हो भाई? कितनी दफा कहा है कि इतना जेवर घर में नहीं लॉकर्स में रखना चाहिए, लेकिन ओफ मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। अरे आप इतनी जल्दी भूल गए? अभी कल रात को ही तो आपका एक ऑफिशियल डिनर हमने अटेंड किया है, सुबह मैं बैंक जाना भूल गई और शाम को आपकी भाभी की कॉल आ गई कि भाई तानिया के रिश्ते वाले आ रहे हैं बात पक्की करने, तो मैंने सोचा चलो आज पहन जाती हूँ। अच्छा मैं थक गया हूँ तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तुम भुगता के आ जाओ। भाई मुझे भी कोई खास शौक नहीं है ऐसे छोटे छोटे घरों में जाने का, पता नहीं ये गरीब लोग इतने छोटे घरों में कैसे रहते हैं। बेगम ये मत भूलो कि हमारा खमीर भी वहीं से उठा है, तो मेरा कारोबार जरा चल पड़ा तो हम कहां से कहां पहुंच गए। हाँ तो भाई मेरा नसीब था ये, अल्लाह ने आपको इतना दिया मेरी किस्मत से, वरना बैठे होते आप भी अपने भाई की तरह किसी परचून की शॉप पे। ये तुम पुराने मुर्दे क्यों उखाड़ के बैठ गई हो, जाना नहीं है तुम्हें क्या? हाँ हाँ जाना है, बस नोशी तैयार हो रही है ना, बस वो तैयार हो जाए तो हम निकल जाएंगे। अच्छा वो तानिया को कुछ पैसे दे देना। हाँ रख लिए मैंने 500 रुपए लिफाफे में। 500 रुपए बस? हाँ तो क्या अपना क्रेडिट कार्ड दे दूं मैं उनको? अरे भाई औकात के मुताबिक ही देना चाहिए ना। ठीक है भाई जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा भाई मैं तो जरा तैयार हो जाऊं। असफर आ जाओ भाई। आ रहा हूं। अरे तुम भी चलते ना हमारे साथ, अकेले रह के क्या करोगे घर में? अरे भाई आज तानिया की बात पक्की होनी है, कोई निकाह तो है नहीं कि इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली जाए, तुम जाओ ना माँ बेटा। हाँ तो हम तो जा ही रहे हैं। बात सुनो तुम मुझे वहाँ छोड़ के ना सीधे वापस घर आ जाना, कोई जरूरत नहीं हो हानिया का तुम छल्ला बनने की। क्या हो गया अम्मी? कजन है मेरी, हमारे बीच अच्छी दोस्ती है बस और क्या। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ बेटा वो दोस्ती हूँ, क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान इसका भी मुझे पता है, जितना कहा है ना उतना कर चलो।
भाभी आप क्यों जिद कर रही हैं? घर में इतने मेहमान जमा है, क्यों अब्बू की बदनामी करवाना चाहती हैं आप? तुमने अगर मोहब्बत की होती ना तब मैं तुमसे ये सवाल करती। मैं जिस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लो भाई यहाँ तो लग नहीं रहा कि बात बात तय हो रही है। क्या उदास माहौल किया हुआ तुम लोगों ने, क्या चल रहा है? हम क्यों होंगे उदास? और तुम जानती नहीं हो तुम्हें कितनी जल्दी गलतफहमी हो जाती है जो अब भी हो गई है। एक मिनट ये क्या हुआ, चोट लगी है तुम्हारे? अरे नशाबा तुमने बताया नहीं तुम्हारी आईसाइट वीक हो गई है। ये चोट नहीं है, ये लिपस्टिक का शेड है। क्या कर रही हो, कुछ सुन लेगा? ऐसे आते तुमने तो मेरी जान ही निकालती थी। और तुमने जो मेरी जान निकाली थी फोन बंद करके, उसका हिसाब कौन देगा? हाँ वो मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। और वैसे भी मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमने उस काशिफ से क्यों झगड़ा किया? अरे यार आई एम रियली सॉरी, मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया था तुमसे माफी मांगने के लिए। मैं क्या करूँ यार, उस इंसान का वजूद और बातें दोनों मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो तो शुक्र है कि उसने यहाँ आकर किसी से कुछ कहा नहीं, वरना तो मेरे अब्बू मेरी जान ही निकाल देते। रहने दो यार, अब मामू इतने बड़े भी जल्लाद नहीं, क्या हो गया? तुम नहीं जानते ना मैंने तो आज उनका रूप देखा है। क्यों, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या घर में? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी टाइम नहीं है। अभी तुम यहाँ से जाओ, अगर यहाँ कोई आ गया ना, किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अरे यार कोई नहीं आएगा, बस 5 मिनट और दे दो, सिर्फ 5 मिनट। प्लीज प्लीज जाओ ना, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है। प्लीज 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 जाओ। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है, अल्लाह नजरे बच से बचाए। अरे इसकी क्या जरूरत है बहन, रिश्ता तो वैसे ही पक्का हो गया। अरे भाई साहब ये तो रस्म है भाई। रमजान जो करना है जल्दी करो, हमें देर हो रही है, जाना है हमने। जी भाभी। देखिए हमें एक बात और भी करनी थी आप लोगों से, अगर आप लोग बुरा ना माने तो। फरमाएं क्या बात है? असल में हम लोग ये चाह रहे थे कि मंगनी के बजाय निकाह कर लें। ये भी खूब कही बहन, मंगनी इसलिए की जाती है ताकि लोगों को पता लगे कि लड़की किस लड़के के नाम पे बैठी हुई है। भाई इतनी जल्दी निकाह भला कैसे हो सकता है, अभी तो इनको जहेज तैयार करने के लिए टाइम चाहिए, कम से कम 6-7 महीने तो लगेंगे ना, कोई जहेज तैयार थोड़ी रखा हुआ है। क्यों रफत? हाँ वो कौन सा आज ही निकाह का कह रहे हैं, अभी तो तारीख रखेंगे और फिर साल का तो पता भी नहीं चलेगा कैसे गुजर गया, और हमें टाइम भी मिल जाएगा जहेज बनाने का। अरे नहीं बहन, जहेज की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को तो पता है मेरे शोहर तो बिस्तर पे पड़े हैं और उनकी यही आखिरी ख्वाहिश है कि अपनी जिंदगी में अपने बेटे का घर आबाद देख लें। तो फिर क्या इरादा है आप लोगों का इस बारे में? ठीक है, बेटी की शादी करनी है, आज करें या कल मुझे मंजूर है। चलो भाई मुबारक हो। चलो भाई मुबारक। वो शादी की बात का सुन के शर्मा गई वो। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लड़कियां अक्सर शर्मा जाती हैं। ये रहे शगुन के पैसे, जाओ जाके अब्बू को बता दो कि मैं नासिर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आप ही आहिस्ता बोलो, बाहर आपके ससुराल वाले बैठे, किसी ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। हाँ और जो मेरे दिल पे कयामत बीत रही है उसका कुछ नहीं, उस बात का किसी को कोई एहसास नहीं है। आप क्यों जिद लगाए बैठ गई, जो आप चाह रही है वैसा नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, जो ये लोग चाहते हैं ना वो भी नहीं हो सकता। खुदा के लिए आहिस्ता बोल लें, कम से कम अब्बू की उम्र का ही लिहाज कर लें। अरे भाई मेरा मतलब ये है, रमजान इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी, मंगनी कर देते तो लड़के को देखने परखने का वक्त तो मिल जाता। बस आपा मुझे जो मुनासिब लगा वही मैंने किया, फिर देखा नहीं आपने उनकी कोई डिमांड भी नहीं है,
और बार बार वो जहेज के लिए भी मना कर रही थी। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया। आपा जो मुझे बेहतर लगा वो मैंने किया। अच्छा भाई, जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। वैसे भी तुमने सारी जिंदगी हमारी बात मानी, कब है जो अब मानोगे? अरे सलमा आपा, इनके कहने का ये मतलब नहीं था। अरे रहने दे रिफत, ये बचपन से ऐसा ही है मतलब ही। उफो आपा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं? मैंने अपनी औलाद के लिए जो बेहतर समझा वो किया। अच्छा बाबा, जो अपनी औलाद के लिए मुनासिब लगे ना वो कर, मत मान किसी की। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए ना तो हमें कुछ ना कहना। अच्छा रिफत, चलती हूँ मैं। अरे सुनो ना आपा, देखो इस तरह नाराज मत होना, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल में मत रखना। अरे तुम्हें पता तो है मैं कोई बात दिल पे कहाँ लेती हूँ, और ये बहन भाइयों का मामला इसी तरह चलता रहता है। चल भाई रमजान, जाती हूँ, कल की तैयारी भी करनी। अल्लाह हाफिज़ आपा। आप भी हद करते हैं। अरे आपा के साथ इस तरह तल्ख होने की क्या जरूरत थी? जानती नहीं हूँ क्या? बदनामी की बड़ा मुंह खोले हमारी इज्जत को निगलने के दर पे है, ऐसे में बंदा तल्ख हो ही जाता है। फिर उन्होंने बुरा तो नहीं माना ना? फिर भी आपको अपना लहजा धीमा रखना चाहिए था, बड़ी बहन है आपकी। अच्छा अच्छा, इस निकाह की खबर तानिया को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या उसे नहीं बताएंगे कि उसका निकाह कर रहे हैं? लो इधर। अम्मी छोड़ो, तुम जो भी हो मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। पर ये बात तो तुम भूल जाना कि तुम्हारी शादी इससे होगी। अगर किसी नेक माँ की औलाद हो तो ना आइंदा कभी से फोन करना और ना ही रब्ता, समझे तुम? बात सुने? उफो भाई, अपना हिसाब किताब बंद करें ना, मेरी बात सुने। ये बताओ कि रमजान के यहां कौन कौन तुम्हारा मेकअप और ये ज्वेलरी देखकर जल के रह गया? हाय क्या बताऊं कसम से, जैसे ही मैं एंटर हुई ना सब औरतें फटी फटी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। अरे रश्क था उनकी आंखों में रश्क। कोई मेरा मेकअप देख रही थी, कोई ज्वेलरी, कोई कपड़े, और सलमा तो छू छू के देख रही थी मेरी चूड़ियां, मेरे झुमके। बड़ा तरस आया मुझे। मैंने कहा बेचारी को पहनना तो नसीब नहीं है, चलो हाथ लगा के अपनी हसरत पूरी कर ले। अच्छा ये बताओ कि लड़के के घर वाले कैसे लगे तुम्हें? वही मिडिल क्लास लोग, सब एक जैसे ही तो होते हैं, गरीब से शरीफ से, वैसे ही थे। चलो शुक्र है कि रमजान एक लड़की के फर्ज से तो निपटा। हाँ ये तो है, मगर असल धमाका तो मैं अब करने वाली हूँ। धमाका? कैसा धमाका? तानिया का निकाह है कल शाम को 7 बजे। क्या यानी इतनी जल्दी? जल्दी मुझे तो लगता है पहले ही देर हो गई है। तुम्हारी लड़की के जो लक्षण है मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर टिकेगी। लेकिन तैयारी वगैरह भी तो नहीं है ना, क्या करेंगे? मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं, बस सादा सा निकाह ही तो करना है। निकाह करके रुख्सत करो लड़की को कल, बाकी का सामान बाद में भेज देंगे। पता नहीं खानदान वाले कैसी कैसी बातें बनाएंगे, कैसा क्या हो गया रातों रात लड़की का निकाह पढ़वा दिया। मुझे लोगों की बातों से ज्यादा अपनी इज्जत की फिक्र है, बस खानदान के चीदा चीदा लोगों को बुला लो। बल्कि ठहरो, मैं खुद फोन करता हूँ। ठीक है आप फोन करें, मैं जरा लड़कियों को देख लूँ। और सुनो, इस निकाह की खबर तानिया को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या उसे नहीं बताएंगे कि उसका निकाह कर रहे हैं? 2-4 घंटे पहले बता देंगे, पर वो कल स्कूल नहीं जाएगी।
अब उस पे नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा भाई, मैं तो हैरान ही रह गई। या तो तानिया के लिए लड़का नहीं मिल रहा था, या रमजान को इतनी जल्दी पड़ी कि फौरन ही निकाह दे दिया, ना किसी से सलाह ना मशवरा। अरे तो अच्छा है ना, सुन्नत है, और फिर लड़कियां जितनी जल्दी अपनी खौटी हो जाएं अच्छा ही होता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मशवरा भी तो जरूरी होता है ना। मैं बैठी थी, बुशा भाभी बैठी थी, लेकिन उसने तो किसी को घासी न डाली, किसी से पूछा ही नहीं, झट करके कल निकाह की डेट दे दी उसने। पता नहीं किस बात की जल्दी थी, ऐसा लग रहा है जैसे लड़की भागी जा रही। अच्छा ठीक है ना, छोड़िए, सब आप दुआ करें तानिया आपी के लिए। चुप कर, मामू का सगा नहीं तो। देख रही थी मैं तेरी बेचैनियां, सब समझती हूँ मैं। चल अब मैंने क्या किया? मत हिमायत किया कर दूसरों की मेरे सामने। वो आपके अपने भाई हैं, सगे भाई हैं, कोई गैर नहीं है। रहने दो, मैं अपने भाइयों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, दोनों के दोनों खुद अर्ज आज तक मेरे लिए किया क्या है उन्होंने। अरे हर घर के अपने मसले होते हैं, अपने धंधे होते हैं, और फिर तुम्हारे भाई तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ हाँ, मैं ही तो हूँ जो लोगों को फजूल में बुरा भला कहती रहती हूँ, और आपको तो बस मौका चाहिए मुझे नीचा दिखाने के लिए, इसी तरह दिल जलाते रहिएगा मेरा। अब इन्हें क्या हो गया? अरे मिजाज की पुरानी बीमारी है तुम्हारी माँ को, सुबह तक ठीक हो जाएगी, फिक्र नहीं करो, आओ छोड़ो। कितना मैंने तुम्हें कहा था कि कुछ ना कुछ करो, अब देख लिया तुमने, अबू ने मेरी बात तय करती है। बात ही तय हुई है ना, अभी बहुत टाइम है, जल्द कुछ सोच लेंगे। कब सोचोगे तुम? जब बारात मेरे दरवाजे पर आ जाएगी तब सोचोगे। कह तो रहा हूँ कि कुछ करता हूँ, अब रातों रात तो हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता ना। देखो नासिर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता, कल मिलते हैं तो बैठ के प्लान करते हैं। और तब तक मैं रो रो के ना आधी रह जाऊंगी। अभी फोन रख दे, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है। चुप करो तुम, तो किससे बात कर रही हो तुम? इसी लिफंगे से बात कर रही हो ना? मेरी दोस्त का फोन था। लो इधर। अम्मी छोड़ो, तुम जो भी हो मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। पर ये बात तो तुम भूल जाना कि तुम्हारी शादी इससे होगी। अगर किसी नेक माँ की औलाद हो तो ना आइंदा कभी इसे फोन करना और ना ही रब्ता, समझे तुम? वाह भाई, बड़ा रोब है सासू माँ का। तुम भी इसके साथ मिली हुई हो ना? नहीं अम्मी, मैं तो खुद इन्हें समझा रही थी। अरे इस कम अक्कल को, इतनी अक्ल होती तो ऐसी हरकतें करती है? प्यार किया है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। बेशरम लड़की, बहुत अच्छा किया जो तुम्हारे बाप ने ना तुम्हें मारा, इसी काबिल थी तुम। मेरी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी? ऐसी गंदी तरबियत तो नहीं की थी मैंने? अरे किस पे चली गई हो तुम? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बस अपने पसंद के इंसान से शादी करना चाहती हूँ, बस यही गलती है मेरी। बस नीचे कर लो, मैंने गलत ढूंढ तो किया तुम्हारे में। आप लोग मुझे डरा धमका के मेरी आवाज को दबा नहीं सकते। अम्मी कुछ भी हो जाए मेरी बात याद रखिएगा, मैं नासिर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी अपनी, पर मैं शादी इसके अलावा नहीं करूंगी। तो मर जाओ, हम भी फातिहा पढ़ लेंगे, मगर तुम्हारी शादी वही होगी जहाँ तुम्हारा बाप चाहता है, समझी तुम? अम्मी आप मेरी बात सुने, नहीं करूंगी मैं। अम्मी सुन लिया आपने? अम्मी चुप हो जाओ। जी जी देखा हुआ है मैंने वो सेट, एक दफा फिर उसकी पिक्चर ना व्हाट्सएप कर दें आप मुझे। अरे पैसों की किसको परवाह है, मैं ही खरीदूंगी वो सेट, आप भेजें तो सही। मामा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, वो कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? अभी दो दिन पहले मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे। हाँ तो खर्च हो गए ना? हैं? दो दिन में 50,000 रुपए खर्च हो गए? अरे यार, एक तो आप लोग पैसे इतने गिन गिन के देते हो और इतना हिसाब चिक चिक, मतलब आप प्लीज पैसे दो ना।
मेरे पास नहीं है, जाओ अपने पापा से मांग लो जाके। पापा से क्यों मांग लो, आपका पर्स है। काशिफ दो। अरे दो मेरा पर्स है तो इसमें। क्या बदतमीजी है ये। लव यू एंड थैंक यू। बहुत बदतमीज होता जा रहा है, अब तो खलील साहब से शिकायत लगानी ही पड़ेगी इसकी। सब बता दूंगी मैं। अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहो। क्यों? तुम्हारे अब्बू ने कहा है कोई नहीं जाएगा। लेकिन अब्बू ने ऐसा क्यों कहा है? कामिया का निकाह है आज। किसका निकाह है? तुम्हारा निकाह है, इसलिए घर बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया आप लोगों को? मेरी इजाजत के बगैर आप लोग मेरा निकाह करेंगे? क्यों डीसी लगी हो हम पर कि तुमसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते हम? अम्मी मेरी जिंदगी का फैसला कोई मामूली फैसला नहीं है, समझी आप? मैं सिर्फ नासिर से शादी करूंगी। तानिया मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि ये पसंद की शादी का भूत अपने सर से उतार फेंको, ऐसा मर के भी नहीं होगा। मैं इनकार कर दूंगी सब मेहमानों के सामने अम्मी, मैं बता रही हूँ आपको। तानिया इतनी बागी क्यों होगी है तुम? अरे हमारे हाल पे रहम करो। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं समझाती हूँ आप ही को। जो मर्जी हो जाए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ नासिर से। जाके इनकार कर दो लड़के वालों को। इनकार कर दे? अरे कैसे इनकार कर दे? तुम्हारे बाप ने सारे खानदान वालों को घर में बुलाया है, अब इनकार नहीं हो सकता। हाँ तो ये फिर निकाह भी नहीं हो सकता। बजाय इसके कि आप लोगों की सबके सामने बेइज्जती हो, इससे बेहतर है कि आप अपने तरीके से लड़के वालों को इनकार कर दें। और अगर आप लोगों से नहीं हो सकता तो मुझे उसका नंबर दें, मैं खुद फोन पे बात करके उससे इनकार कर दूंगी। बस बस सुन ली तुम्हारी बकवास। हमारे एतमाद का नाजायज फायदा उठाया तुमने, शायद इसीलिए लोग बेटी ना होने की दुआ मांगते हैं। मैं प्यार करती हूँ नासिर से, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और अगर इतना ही मुश्किल है इनकार करना तो आप लोग हानिया की शादी कर दें। इसकी भी हो जाएगी लेकिन आज तो तुम्हारी शादी होगी, समझी? और हम अपने माथे पर ना बदनामी का दाग सजा कर नहीं जी सकते। मैं जा रही हूँ स्कूल। ताने रुको। निकाह तक अगर तुम इस कमरे से निकली ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। अगर इसका रिश्ता उस लड़के से हुआ या ये यहाँ से हिली तो तुम दोनों की खैर नहीं है, शूट कर दूंगा तुम दोनों को और खुद को भी गोली मार लूंगा। तुम्हारे लड़के आने बिगाड़ा, नाक कटवा दिए इसने। अरे तो आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं इसे कहती हूँ कि जाकर ये सब कुछ करे। तो पैसे तो तुमसे लेता है ना, तुमने बिगाड़ा है इसे। ये लड़का तो बिल्कुल ही हाथों से निकलता जा रहा है, मेरी तो एक नहीं सुनता। आपने सर चढ़ाया उसे अब बक्कू। अच्छा सर पे चढ़ के तो तुम भी नाच रही हो, और ये क्या 24 घंटे मोबाइल में घुसी रहती हो तुम? असफर को मैसेज कर रही थी। एक तो तुम्हारा असफर का ये क्रेज पता नहीं कब खत्म होगा। अरे वो तो तुम्हें लिफ्ट भी नहीं कराता, तुम ही कम्बल उठ जा रही हो उसे। मुझे वो अच्छा लगता है मामा, और आप फूफो से हमारे बारे में कब बात करेंगी? कभी भी नहीं करूंगी, और तुम भी ये खन्नास अपने दिल से निकाल दो ना तो अच्छा है। कम ऑन मामा, आप क्यों इतना चिढ़ती हैं असफर से? अरे मैं असफर से नहीं चिढ़ती, उसकी गुर्बत से चिढ़ती हूँ। मेरा ख्याल है तुम भी अपने दिमाग को खोलो, गुजारा नहीं होगा तुम्हारा उसके साथ। कम ऑन मामा, उसकी इतनी अच्छी जॉब स्टार्ट हो चुकी है और हार्ड वर्किंग है, बहुत जल्दी तरक्की भी कर लेगा। अरे कितनी तरक्की कर लेगा, 50,000 से उसकी नौकरी स्टार्ट होगी, ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 रुपए तक पहुंच जाएगा, और तुम्हारा तो महीने का खर्चा लाखों में अफोर्ड नहीं कर सकता वो तुम्हें। व्हाटएवर,
जहाँ मोहब्बत हो वहाँ गुजारा हो ही जाता है। हाँ, अगर मोहब्बत दो तरफा हो तो, वन साइडेड मोहब्बत जो होती है ना, उसकी कश्ती बीच दरिया में डूबती है, इंसान ना इधर का रहता है ना उधर का। मुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन है, मैं असफर को जीत लूं। तुम्हें मोहब्बत नहीं हुई, वहम हुआ है, वहम। और वहम का इलाज जो है ना, हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। क्या बहस हो रही है सुबह सुबह माँ बेटियों में? अरे नहीं नहीं, कोई बहस नहीं, हम तो ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। अच्छा अच्छा, सुनिए, शाम को जरा जल्दी आ जाइएगा, आज आपकी भतीजी का निकाह है। हाँ, याद है मुझे। ये काशिफ नगर नहीं आ रहा, कहाँ है? वो तो कॉलेज से लगे। कॉलेज गया है या आवारागर्दी कर? बात तो एक ही है। निकाह तक अगर तुम इस कमरे से निकली ना, तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। अगर इसका रिश्ता उस लड़के से हुआ या ये यहाँ से हिली, तो तुम दोनों की खैर नहीं है। शूट कर दूंगा तुम दोनों को और खुद को भी गोली मार लूंगा। तानिया ने अपना फोन क्यों बंद कर दिया? और अभी तक स्कूल भी नहीं पहुंची है। कहीं इसके बाप ने इसकी कोई मंगनी मंगनी तो नहीं क्या कर दी? चल भाई नासिर, तेरी तो ऐश खत्म, कोई और शिकार फंसा। अच्छा मैं जा रही हूँ भाई। अरे कहाँ जा रही हो? बताया तो था रमजान के यहाँ जा रही हूँ, जरा देख करता हूँ निकाह की तैयारियां कैसी चल रही हैं। अच्छा उनसे ये भी पूछ लेना कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कह दें। बस बस रहने दो, ज्यादा हातम ताई की कब्र पे लात मारने की जरूरत नहीं है, उनकी बेटी है वो खुद ही करेंगे। मैं तो बस सलामी दूंगी, बाकी हमारा काम खत्म। अरे वाह क्या बात है, आज तो रावी सुकून ही सुकून लिख रहे हैं। ऐसे नजारे बहुत कम देखने को मिलते हैं जब आप दोनों इतने सुकून से बैठ के बातें कर रहे हो। ए बेटा, ये शगुफे छोड़ने की आदत तुम्हारे बाप की है, तुझे तो पता है मैं तो कितना कम बोलती हूँ। सही बात है, तुम दुश्मनों के साथ मिलके ना माँ का मजाक उड़ा लो, बहुत अच्छा। क्या हो गया है, क्यों इतना गलत सोचती हैं? रहने दे, ये ललो चप्पो करने की जरूरत नहीं, ये लाड नखरे अपने बाप के साथ किया करो। देखा मुझे भुला ही दिया कि मैं रमजान के घर जा रही थी। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्यों, कौन सा तेरे मामू का घर काले पानी में है? अच्छी तरीके से जानती हूँ ये तुझे बार बार वहां जाने के हॉल क्यों उठते हैं। आराम से बैठ, मैं खुद चली जाऊंगी। ये तरबियत की है तुमने अपने बेटे की? वन व्हीलिंग करते हुए पकड़े गए अपने दोस्तों के साथ और थाने का चक्कर भी लगा के आ गए। तुम्हारे लड़के आदमी बिगाड़ा, नाक कटवा दिए इसने। अरे तो आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं इसे कहती हूँ कि जाकर ये सब कुछ करे। तो पैसे तो तुमसे लेता है ना, तुमने बिगाड़ा है इसे। पानी ना हमेशा निचली तरफ रुख करता है। अरे आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? ये कहाँ जाता है, किन दोस्तों में बैठता है, मैं पता करूँ क्या जाकर? मैं अपना काम देखूँ या तुम्हारी बिगड़ी औलाद को देखूँ? तुम नहीं देख सकती, तुम नजर नहीं रख सकती इन पर। मैंने तो मामा से पहले ही कहा था इसे हैवी बाइक लेकर ना दें। पहले कौन सा कंट्रोल में था, अब तो सुबह शाम बाइक लिए फिरता है। और पापा आपको पता है इसका फ्यूल कितना महंगा होता है? तुम ना मुंह बंद रखो, फजूल में पापा को मेरे खिलाफ मत भड़काओ। और तुम जो हजारों रुपए की जाके शॉपिंग करती हो मॉल्स के अंदर और अपने फ्रेंड्स के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती फिरती हो, वो सब कुछ भी पैसों से होता है, उसका हिसाब कौन देगा? मैं? सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा, समझे? एक तूफान आया हुआ है घर में फजूल खर्ची का, आ जाऊं शाम को मैं लूंगा हिसाब किताब सबसे। तमाशा बनाया हुआ है घर को। हो गया शौक पूरा, मिल गया सुकून।
मेरी बारी आने दो, बताऊंगा मैं तुम्हें। जान से मार दूंगा इसे, ऐसी बेहया निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आपका ब्लड प्रेशर पहले इतना बड़ा रहता है। जिन बापों की इज्जत दिन ब दिन घट रही हो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा ही होता है। बस भी कर देना, सुबह से शोर मचा रखा है आपने, शादी वाला घर है। अगर आपकी बहन के कानों तक आवाजें पहुंच गई ना तो सुनगुन लेने के लिए यहाँ आ जाएंगी। वानिया अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं खुद को आग लगा लूंगा। बात बताऊं, मैं पता नहीं क्यों आजकल तुम्हें बहुत मिस करता हूं। देखो काशी, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूं, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन मुझे तो तुम बहुत पसंद, तीखी मिर्चों से भरी हुई। तुम्हें नासिर का घर पता है? हाँ मैं जानती हूँ। तो तुम उसके पास चली जाओ। क्या मतलब? भाग जाओ। बोल, बाप की इज्जत खाक में मिलाएगी? जवाब दे। क्या कर रहे हो रमजान, होश में हो? नहीं, इसे अभी जवाब देना होगा, ये राजी है कि नहीं? अगर नहीं तो अभी इसे मेरे हाथों से मरना होगा। मैं दारू रमान के लिए जाऊंगी अम्मा, पर मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। चलो ना, छोड़ दे, छोड़ दे। आंखों पे क्यों भरे?